ये कहानी दो ऐसे दोस्तों की है जो एक साथ मिलकर ये कसम खाते हैं, ये दोनों कभी भी आपस में प्यार नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग वो सब कुछ करेंगे जो कि एक कपल करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग फ्रेंड्स रहेंगे लेकिन गपा गप भी करेंगे, ये लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है ये इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग डेलन नाम के बंदे को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे कॉल करती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। वहीं दूसरी ओर हम लोग जैमी को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है। जैमी न्यूयॉर्क में रहती है, वहीं डेलन लॉस एंजलिस में रहता है। इसके बाद ये दोनों लोग अपने अपने पार्टनर से मिलते हैं। डेलन जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है तब उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जैमी को देखते हैं, उसका बॉयफ्रेंड भी उससे अलग हो जाता है। ब्रेकअप के बाद ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग फिर से प्यार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अब वो लोग हमेशा सिंगल ही रहेंगे और अपनी लाइफ को सिंगल रहकर एंजॉय करेंगे। जैमी एक कंपनी में एचआर का काम करती है, इसलिए वो डेलन को अपनी कंपनी में काम करने के लिए इनवाइट करती है, क्योंकि जैमी की कंपनी को एक वर्कर की जरूरत थी और डेलन अपने काम में काफी माहिर था, इसलिए वो चाहती है कि डेलन उसकी कंपनी को ज्वाइन करे। डेलन को इस कंपनी में काम लगाने के बदले उसे अच्छा खासा कमीशन भी मिलने वाला था। कुछ ही देर बाद वो पिक करने के लिए एयरपोर्ट में जाती है। जब ये लोग एयरपोर्ट से लौट रहे होते हैं तभी डेलन कहता है, मुझे ये नहीं लगता कि मैं इस कंपनी में काम करने के लायक हूँ। ये सुनकर जैमी उससे कहती है, तुम अपने काम में काफी एक्सपर्ट हो और मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम उस इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करोगे। जैमी के समझाने के बाद डेलन अपनी कंपनी के इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाता है। जैसा कि जैमी को यकीन था वो इस इंटरव्यू में पास हो जाता है। अब डेलन को इस कंपनी में जॉब मिल जाता है, लेकिन यहाँ जॉब लगने से डेलन ज्यादा खुश नहीं होता। वो जैमी से कहता है वो इस जॉब की वजह से अपनी लाइफ को नहीं बदल सकता। वो जैमी से ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि डेलन को ये शहर पसंद नहीं था। इसकी बातों से सुनकर जैमी उसे घुमाने के लिए लेकर जाती है। वो डेलन को न्यूयॉर्क सिटी की सबसे अच्छी जगह दिखाती है। यहाँ का डेलन को काफी अच्छा फील होता है और वो अब उस कंपनी में काम करने के लिए मान जाता है। अगले दिन ये लोग लंच करने के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ ये दोनों लोग अपनी ब्रेकअप की कहानी एक दूसरे को सुनाते हैं। अगले दिन जैमी के घर में पार्टी होती है और वो डेलन को अपने घर में इन्वाइट करती है। रात में डेलन घर में आता है। ये लोग यहाँ पार्टी में काफी इंजॉय करते हैं। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और अब इन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो चुकी थी। तब एक दिन ये दोनों टीवी देख रहे थे, तभी जैमी डेलन से ये कहती है, काश मेरी लाइफ भी टीवी एक्ट्रेस जैसी होती, मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा होता जो कि मुझे बहुत प्यार करता और जब भी मैं उदास होती वो मुझे बड़े प्यार से मनाता। ये सुनकर डेलन उससे कहता है, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ये दोनों यहाँ ड्रिंक करते हुए आपस में एडल्ट बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में डेलन जैमी से कहता है, गपा गप एक मैच की तरह होना चाहिए, खेलो खूब एंजॉय करो और निकल जाओ। तभी डेलन के दिमाग में आइडिया आता है और वो जैमी को अपने साथ एक मैच खेलने के लिए कहता है। इस पर जैमी डेलन से कहती है, वो उसे उस नजर से नहीं देखती, वो तो उसे बस दोस्त मानती है। तभी डेलन उससे बोलता है, इसलिए तो सिर्फ मैच खेलने की बोल रहा हूँ, हम लोग ऐसा करके मौज मस्ती कर लेंगे और हमारे बीच कोई इमोशनल ड्रामा भी नहीं होगा। ये आइडिया जैमी को भी अच्छा लगता है। फिर ये दोनों कसम खाते हैं, दोनों बस हमेशा दोस्त रहेंगे और कभी एक दूसरे के साथ प्यार नहीं करेंगे। जब इन दोनों के बीच में सारी बातें हो जाती हैं तब डेलन जैमी के पिच पर मैच खेलने के लिए तैयार हो जाता है। डेलन को बिना घास वाले पिच काफी पसंद होती है, डेलन यहाँ खूब चक्के और चौके मारता है। इसके बाद ये दोनों रोज गपागप करते हैं। ये लोग आपस में इतना ज्यादा मैच खेलते हैं कि इन दोनों के बीच में चीजें ऑकवर्ड होने लगती हैं। फिर ये दोनों कुछ दिनों तक आपस में बात नहीं करते। कुछ दिनों के बाद ये दोनों एक पार्क में मिलते हैं जहाँ जैमी डेलन से कहते उसे ऐसा लगा था जैसे मैच खेलने के बाद उनकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उन दोनों की दोस्ती में फर्क पड़ रहा है। वो कहती है, आज से हम लोग ये सब नहीं करेंगे। लेकिन अगले दिन जब ये लोग मिलते हैं तब ये दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते। जैमी यहाँ डेलन को अपने पिच पर बैटिंग करवाती है, डेलन भी सपाट पिच का फायदा उठाता है और वो खूब छक्के चौके मारता है। इन दोनों का घपा घप करने की आदत पड़ चुकी थी। एक दिन जैमी डेलन से कहती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मुझे एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए और इसलिए हम लोगों का मैच खेलना बंद करना होगा। इसके बाद ये दोनों एक पार्क में जाते हैं। यहाँ जैमी को लड़का पसंद आता है, वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है। कुछ देर बातें करने के बाद जैमी उसका फोन नंबर ले लेती है। इसके बाद ये दोनों लोग डेट पर जाते हैं। वहाँ वो लड़का जैमी से कहता है, वो एक डॉक्टर है। ये दोनों कई दिनों तक एक दूसरे को डेट करते हैं। फिर एक रात जैमी उसे अपने रूम में लेकर आती। डॉक्टर भी जैमी के पिच पर बैटिंग करता है और डॉक्टर बिना बताए ही सुबह में जा रहा था। जब वो जा रहा था तभी उसे जैमी देख लेती है। जैमी के पूछने पर वो डॉक्टर कहता है, वो रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकता। ये सुनने के बाद जैमी को गुस्सा आता है और वो डॉक्टर को गालियां देकर वहां से भगा देती है। इसके बाद जैमी डेलन के पास आती है और वो उसे डॉक्टर के बारे में सारी बातें बताती है। डेलन कहता है, डॉक्टर ने तुम्हारे साथ गेम किया है और उसने बस अपनी हवस मिटाई है, वो तो तुम्हारे
हमारे पिच पे बैटिंग करके चुपचाप यहाँ से चला गया। अगले दिन डैलन जब जैमी को कॉल करता है तब वो उसे बताता है वो इस वीकेंड में अपने घर लॉस एंजलिस जा रहा है, अगर वो चाहे तो वो भी उसके साथ आ सकती है। पहले तो जैमी उसे मना करती है लेकिन डैलन के फोर्स करने पर वो मान जाती है। इसके बाद ये दोनों लोग लॉस एंजलिस पहुँच जाते हैं। घर पहुँचने के बाद डैलन के फादर और उसकी सिस्टर इन दोनों का वेलकम करती है। यहाँ हमें पता चलता है डैलन के डैड को भूलने की बीमारी है। इसके बाद हम जैमी और डैलन की बहन को आपस में बात करते हुए देखते हैं। वो जैमी को डैलन की बचपन की फोटोज दिखाती है। रात में डैलन का फिर से मैच खेलने का मन करता है इसलिए वो चुपके से जैमी के रूम में आ जाता है, जहाँ जैमी डैलन से कहती है कि हम लोग फिर से मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन डैलन उसे मैच खेलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। कुछ देर बातें करने के बाद जैमी मैच खेलने के लिए मान जाती है। वो रात भर जैमी की दोनों साइड से बजाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब डैलन नोटिस करता है यहाँ जैमी का बिहेवियर काफी चेंज हो चुका है। वो अब डैलन को लाइक करने लगी। इसके अलावा डैलन की पूरी फैमिली जैमी को बहुत पसंद आती है। शाम को डैलन और उसकी बहन बातें कर रहे थे। वो उससे इस मुलाकात के बाद हम लोग फिर से जैमी से कब मिलेंगे, ये सुनकर डैलन कहता है मुझे नहीं पता है। तब वो कहती है कि तुम्हारे और जैमी के बीच में झगड़ा हो गया है। यहाँ डैलन समझाता है जैमी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और हम बस दोस्त हैं और मैं कभी भी जैमी को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनल है और उसका दिमाग भी अच्छे से काम नहीं करता। यहाँ जैमी भी छुप कर इन दोनों की बातों को सुन रही थी। रात में जब सभी लोग डिनर करने के लिए बैठे होते हैं तभी यहाँ पर जैमी आती है और वो इन सभी लोगों से कहती है उसे एक जरूरी काम है, इस वजह से उसे न्यूयॉर्क वापस लौटना होगा। लेकिन सच्चाई थी जैमी को डैलन की बातों का बहुत बुरा लगा था, जो बातें उसने छुपकर सुनी थी, इसलिए जैमी वापस जा रही थी। यहाँ सभी लोग जैमी को रोकने का ट्राई करते हैं लेकिन वो यहाँ नहीं रुकती। इसके कुछ दिनों के बाद डैलन भी न्यूयॉर्क आ जाता है। यहाँ वो जैमी से कॉन्टेक्ट करने का ट्राई करता है लेकिन जैमी उसे इग्नोर करती है। कुछ दिनों बाद डैलन फिर से जैमी को कॉल करता है लेकिन वो उसका फोन रिसीव नहीं करती। तभी डैलन को याद आता है शायद जैमी अपनी फेवरेट जगह पर होगी। इसके बाद वो जैमी की फेवरेट प्लेस पर जाता है जहाँ जैमी अकेले बैठी हुई थी। फिर डैलन जैमी से सॉरी कहता है। जैमी कहती है कि तुम एक अच्छे दोस्त नहीं हो क्योंकि दोस्त एक दूसरे की बुराई नहीं करते। यहाँ इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है जिसके बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। हम लोग ये देखते हैं जैमी अपनी मॉम के साथ है। जैमी की मॉम उसे समझाते हुए कहती है मेरी जिंदगी में बहुत से लड़के आए लेकिन तुम्हारे डैड उनमें से सबसे अच्छे थे, लेकिन मैंने ये बात समझने में बहुत देर कर दी, लेकिन तुम मेरी तरह गलती मत करना वरना मेरी तरह तुम भी अकेली रह जाओगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग डैलन के डैड को देखते हैं जो कि डैलन से मिलने के लिए न्यूयॉर्क आते हैं। डैलन उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाता है। इसके बाद जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तभी वो डैलन से कहते हैं जब मैं नेवी में था तब मेरी लाइफ में भी एक लड़की आई थी और वो मुझसे बहुत प्यार करती थी लेकिन मैं उसकी फीलिंग्स को कभी नहीं समझ पाया और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काश मैं तुम्हारी एज में ही अपने प्यार को समझ पाता। अपने डैड की इन बातों को सुनने के बाद डैलन को जैमी की याद आने लगी थी। वो भी जैमी से बहुत प्यार करता था लेकिन अपने ईगो की वजह से डैलन जैमी को कभी भी अपना नहीं पाया। इसके बाद डैलन के डैड उसे कहते हैं अगर तुम्हें अपने प्यार की थोड़ी भी परवाह है तब तुम वहां जाकर उसे बचा लो। इसके बाद डैलन अपने डैड को घर में ड्रॉप करता है और अपने प्यार को हासिल करने के लिए निकल जाता है। इधर हम लोग जैमी को देखते हैं, वो अपनी मॉम से बातें कर रही होती है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। जैमी अपनी मॉम से पूछती है वो कहाँ पर है। इस पर उसकी मॉम ये कहती है वो एक टाई पहने हुए लड़के के साथ है, जहाँ पर जैमी अपने मॉम को ढूंढ रही होती है। तभी यहाँ पर सभी लोग डांस करने लगते हैं, यहीं पर डैलन दिखाई देता है। इसके बाद डैलन जैमी के पास आता है और वो उसे माफ़ी मांगता है। वो कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। इसके बाद वो घुटनों पर बैठकर जैमी को प्रपोज करता है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ डेट पर जाते हैं। ये उनके रिलेशनशिप की पहली डेट थी। इन दोनों की डेट के साथ यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।